सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना की वैक्सीन के बारे में जैसा अपडेट किया था मैं कि कोरोना की वैक्सीन आएगी और इसकी प्रिडिक्शन मैंने जुलाई में किया था, मुझे याद है, और मैंने बताया था कि इस दिन वैक्सीन बनेगा, टाइटल भी यही दिया था उस वीडियो का, और बताया था कि नवंबर के आसपास इसके वैक्सीन के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और उसी समय केतु शनि बृहस्पति की जो गोचरीय स्थिति बनेगी उसी में वैक्सीन मिल जाएगा। और आज क्योंकि 10:30 बजे के करीब इसकी लॉन्चिंग की गई है तो जो कुंडली बन रही है वो कैसा हमारे देश पर इस कोरोना वैक्सीन का प्रभाव रहेगा, आइए हम इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे देश के महान साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है, रिसर्च डेवलपमेंट किया है, रात दिन मेहनत किया है, उनके लिए बहुत मैं अभिवादन करता हूं अपने तरफ से। और साथ में वो कोरोना वॉरियर जो कोरोना के इस कठिन पीरियड में लगातार लोगों की सेवा की है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी के अगुवाई में जो ये आज टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ है इसके बारे में देखते हैं कि गोचरीय व्यवस्था क्या कहती है। तो मेरे पास चार्ट यहाँ पर बना है जिस समय इसकी स्टार्ट करने की जब शुभारंभ किया गया था मोदी जी द्वारा, तो कुंभ लगन और कुंभ राशि की कुंडली बन रही है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि उच्च का राहु है, उच्च का केतु है, मंगल स्वगृही है, बृहस्पति और शनि अस्त है और शनि ने बृहस्पति का नीच भंग किया है। तो साथ में जो ये कंडीशंस जो बन रही हैं इसमें 2-3 बातें स्पष्टता क्लियर है, आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए 3 पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए जब इस अभियान का यानी इस टीकाकरण अभियान का जब स्टार्टिंग हुआ है तो उस समय कालसर्प दोष से दूषित कुंडली बनी हुई है जिसमें भारत का जो वृष लगन की कुंडली है उसका लग्नेश अष्टम में बैठा है। कुछ रुकावटें आएंगी लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वैक्सीन इफेक्टिवनेस अपना दिखाएगा। देखिए कुछ लोग तो इस पर राजनीति भी करेंगे, इस पर भी आप जानते ही हैं कौन लोग राजनीति करना चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम होने लगा, वो प्रॉब्लम होने लगा, सच्चाई क्या है वो भी आएगा, ऐसे कुछ विवाद भी उठेंगे कोरोना वैक्सीन के लगवाने के बाद। लेकिन मुझे पूरे तरीके से विश्वास है क्योंकि काल सर्प दोष से दूषित कुंडली है तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा रुकावट के साथ लेकिन इसके सफल होने की टेंडेंसी रहेगी। कुछ विवाद जरूर रहेगा लेकिन ये सफल हो के रहेगा और हम पहले के तरीके से जीवन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। दूसरी भविष्यवाणी जो यहाँ पर लगन बन रहा है भारत का, गोचर के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पर भारत की कुंडली में पराक्रमेश होकर यहाँ पे लगन कुंडली में शिफ्ट हुआ है, यानी लगन पराक्रम जो है लगन में बैठ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश का नेम फेम बढ़ेगा, हमारे भारतवर्ष का नेम फेम बढ़ेगा, इसको ये जो वैक्सीन आया है इसके कारण हमारे देश का नेम फेम निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह जो है शनि देव इस समय अस्त है। देखिए जब शनि देव अस्त हैं तो इस समय कोरोना का प्रभाव भी देख रहे होंगे डे बाई डे कम हो रहा है, लेकिन भारतवर्ष के लिए एक अच्छी समाचार है कि इस वैक्सीन का जो टोटल मिलाकर देखा जाए तो 90% से ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहेगी। हालांकि मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब ये वैक्सीन लगना स्टार्ट होगा सभी लोगों को, क्योंकि अभी 3 करोड़ लोगों को लग रहा है स्टार्टिंग में, तो जब सभी लोगों को लगना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ लोग ज़रूर इस पर राजनीति माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि ये वैक्सीन इफेक्टिव ज़्यादा नहीं है।
है, कई तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश भी लोग करेंगे, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है क्योंकि ये कालसर्प वाली कुंडली के समय इसको बनाया गया है, तो कालसर्प योग होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां जरूर रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं ये हमारे भारतवर्ष के लिए जरूर अच्छा होगा और हम सभी के लिए ये अच्छा होने वाला है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन कैसा रहेगा, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन पर भी कड़ी प्रतिक्रियाएं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।